नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी। आप देख रहे हैं thrustzone.com और आपके सामने खड़ी है फोर्ड की एस्पायर। और जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है। हमने इस गाड़ी के साथ 4 महीने बिताए हैं। फोर्ड ने हमें पेट्रोल मैनुअल वर्जन टेस्ट राइड करने के लिए दिया 4 महीने के लिए। हमने इसमें कुछ 3,500 किलोमीटर डेली रन के हिसाब से और थोड़े हाईवे रन्स किए हैं इसके साथ। और हमारा इंप्रेशन जो पहले रिव्यू में था इंग्लिश में किया था, तो मैंने सोचा है हमारी हिंदी ऑडियंस के लिए एक हिंदी में वीडियो किया जाए और ये बताया जाए कि ये गाड़ी ने हमें कैसे इम्प्रेस किया है। तो स्टाइलिंग जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। ये फेसलिफ्ट में नया ग्रिल यहाँ पे चेंज किया गया है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। हेडलैम्प्स में ज़्यादा बदलाव नहीं है। ये जो सी शेप ग्रे यहाँ पे है, ये आपको एक नया लुक देता है। साइड प्रोफाइल में कुछ भी बदलाव नहीं है। एलॉय व्हील का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है और पीछे का डिज़ाइन भी सेम ही है, जो एक अच्छी कॉम्पैक्ट सेडान का जो लुक आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। और मेरे हिसाब से तो, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस गाड़ी का प्रपोर्शन काफ़ी बढ़िया है। आज भी ये गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। फेसलिफ्टेड वर्जन ज़रूर है, पर जो ओवरऑल डिज़ाइन है ज़्यादा चेंज नहीं है। पर मेरे हिसाब से ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से जा रहा है। और मैं इसके साथ, मैं और हमारे ऑफिस कॉलीग्स ने इसके साथ 4 महीने बिताए और कभी एक दिन ऐसा नहीं लगा कि हम एक बोरिंग पुरानी गाड़ी चला रहे हैं। दिखने के हिसाब से भी, चलाने के हिसाब से तो मैं आपको बताऊंगा क्यों ये गाड़ी क्या कर सकती है ये गाड़ी। अभी इंटीरियर के अंदर घुसते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, टिपिकल जो नई स्मॉल गाड़ी जो फोर्ड की होती है वैसी है। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। इसकी क्वालिटी बढ़िया है, प्लास्टिक की क्वालिटी ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी सेगमेंट के हिसाब से। मैंने एक हुंडई की नई ऑरा भी देखी है और उसका भी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो थोड़ा सा इसका डिज़ाइन न्यू है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा ओल्ड है, पर क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। 4 महीने हमने इस गाड़ी को कुछ ऐसी जगहों पर लेके गए और हाईवे रन किया, सिटी रन किया, मुंबई के खड्डे वाले रस्तों में डाला, हाईवेज़ पे डाला, अच्छे रस्तों पे डाला। और इस गाड़ी का इंटीरियर में से अभी तक कुछ भी, एक भी चीज़ रैटल नहीं कर रही, ना ही आवाज़ कर रही है। तो और हमने इसे काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया उसके बाद भी, और अच्छे से रगड़ा तो भी इस गाड़ी ने कुछ भी गिवअप नहीं किया है। अभी भी ये गाड़ी बहुत साइलेंट चल रही है, कोई भी आवाज़ इस कैबिन में नहीं है। और इसकी जो डायल्स हैं अभी भी वही हैं। आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है यहाँ पे। इसका जो इंडिकेटर स्टॉक है, यह बटन दबाने से यहाँ पे पानी बाहर आता है और ये थोड़ा सा अलग है। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा टाइम लगा पर हम यूज्ड टू हो गए उस चीज़ के। और स्टॉक की क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, पर आवाज़ के हिसाब से जैसे डैम्पिंग जो होती है काफ़ी बढ़िया है और वो क्वालिटी डिटरमाइन करती, पर इसका जो ऊपर का प्लास्टिक है थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। और फोर्ड कहता है कि यहाँ पे 23 जगहें हैं चीज़ें रखने के लिए। मैं उनके साथ सहमत हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। मैं अपनी फैमिली को एक छोटे से ट्रिप के लिए लेके गया था बॉम्बे के बॉम्बे में ही, और हम लोग 5 लोग थे। सबका सामान थोड़ा मोड़ा जो था, जिनको हर जगह ड्रॉप करना था, उन्होंने अपना सामान उठाया और सामान रखा यहाँ पर, और सबका सामान के लिए जगह थी यहाँ पर। और जैसे कि मैं आपको बताया, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ब्लैक एंड बेज कलर हमेशा अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको एक बूट रिलीज बटन यहाँ पे मिलता है बड़ी गाड़ियों की तरह। मुझे काफ़ी पसंद है ये फीचर इस गाड़ी में। और ये इसका Sync 3 सिस्टम है, इसकी जितनी तारीफ़ करें कम है। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है ये, बहुत ही स्मूथ चलता है, बहुत ही फास्ट चलता है, सब कुछ बढ़िया है, कभी लैग नहीं होता। और ब्लूटूथ कनेक्शन बहुत फास्ट है, एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, व्हीकल सेटिंग है यहाँ पे। आप इंफॉर्मेशन बंद देख सकते हैं, चाइम्स जो आवाज़ें आती हैं, जैसे मैं अभी दरवाज़ा खोलूँगा, ये आवाज़ आप बंद कर सकते हैं, ये उसकी सेटिंग है। कैमरा की सेटिंग भी है और पार्क पायलट आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, तो और भी बढ़िया है इस चीज़ में। और कॉन्टैक्ट सिंक कर सकते हैं, मैसेजेस आपको दिखाएगा कि मैसेज आया है। और जैसे कि आप देखेंगे, और इंस्टेंट है ये स्क्रीन, इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है और कोई भी फीचर की कमी नहीं है। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी मिल रही है, चार्जिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। और पीछे हमेशा की तरह एक एसी वेंट्स नहीं है, पर
मैं आपको बताना चाहूँगा, बॉम्बे में ये मार्च का महीना है और हम जनवरी टू मार्च में भी हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं आई। हमने पूरा टाइम दोपहर को इस गाड़ी को चलाया है और दोपहर में हम काफ़ी इधर उधर हुए और गर्मी हमेशा रहती थी, पर इस गाड़ी ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। एसी बहुत ही बढ़िया चला, पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी और आगे के लिए भी। मुझे सीट्स बहुत पसंद हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। इनकी कुशनिंग थोड़ी सी सॉफ्ट है, इसीलिए मुझे जब मैं शॉर्ट ट्रिप्स के लिए यूज़ करता हूँ ऑफिस जाने के लिए या फिर हाफ डे रिटर्न मेरे को वापस आना पड़ता है, तो मुझे कभी भी इसमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और मैंने जो कंटिन्यूस 1.5 महीना इसके साथ बिताया, बाकी मेरे दूसरे कॉलिग्स ने मेरे साथ बिताया, उन्होंने सब लोग ने कहा कि इसमें कोई भी सीट की कंफर्ट की इशू नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बताया, फीचर्स लिस्ट यहाँ पे काफ़ी बड़ी है, पीछे का स्पेस भी अच्छा है, पर एक चीज़ जो नहीं है इस गाड़ी में वो यहाँ पे ग्रैब रेल है, क्योंकि आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, पर फोर्ड को यहाँ पे ग्रैब रेल देना चाहिए था। मैंने ओरिजिनल एस्पायर के रिव्यू में भी कहा था, फेसलिफ्ट में भी कहा था, मैं अभी लॉन्ग टर्म में भी कह रहा हूँ, क्योंकि सब लोग यही कंप्लेन करते हैं कि उनके पास कुछ यहाँ पे पकड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमारे ऑफिस कॉलिग्स थोड़ा सा मस्ती भरे तरीके में चलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पेस बहुत है, लेग रूम बहुत है, नी रूम काफ़ी है, हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है, कंफर्टेबल कैबिन है, 6 फुटर्स भी यहाँ पे अच्छे से बैठ सकते हैं। सीट ये पूरी तरीके से पीछे खींच दी गई है, फिर भी थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे कोई बैठ सकता है। और बहुत ही बड़ा कप होल्डर है यहाँ पे, कैन होल्डर है, यहाँ पे कप होल्डर नहीं मिलता, पर इसीलिए आपको यही वाला यूज़ करना पड़ेगा। पीछे कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों की सीट्स के लिए पीछे है, मिडिल में नहीं है। और ओवरऑल ये सब चीज़ें मेजॉरिटी चीज़ें आप जानते हैं, पर फोर्ड की गाड़ियाँ इस गाड़ी के साथ डिज़ाइन अच्छे से, इंटीरियर एक्सटीरियर में अच्छे से एज हो रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं आ रही है। और जो इसकी खासियत है फोर्ड की, वो है उसका इंजन और उसके डायनामिक्स भी, जो ये इंडिया स्पेक इंजन हमारे पास काफ़ी टाइम से हैं, ये काफ़ी रिलायबल इंजन हो चुके हैं, इनकी कोई तकलीफ़ रिपोर्ट नहीं हुई है। हम जो पेट्रोल चला रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्क रखता है सेगमेंट में, 120 का टॉर्क है, 96 का पावर है, पावर इस सेगमेंट में ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है, पर वो फील नहीं होता, पर आपको पिकअप की कभी कमी महसूस नहीं होती, माइलेज की कोई कमी नहीं है। 12 से 13 के बीच में भी उसने मेरी ड्राइविंग में दिया है, और एक कॉलिग को तो 14 किलोमीटर्स पर लीटर मिला, क्योंकि उसका ऑफिस टाइमिंग जो था काफ़ी 12 से 1 के बीच में रिपोर्टिंग टाइम था, तो वो खाली रास्ते पे निकलता था, और जब वो चलाता था तो उसे 14 किलोमीटर्स पर लीटर भी मिला। तो ये 2 हफ्ते के अंदर ही ये माइलेज का एक चेंज हमें देखने को मिला, क्योंकि और हमेशा एक लॉन्ग टर्म कार आती है तो हम सबको चलाने देते हैं, फिर हम लोग एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन साथ में बैठ के पॉइंट्स एक्यूमुलेट करते हैं और फिर हम आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं। तो ये एक ही बंदे का प्रोस्पेक्टिव नहीं है, हमारा लॉन्ग टर्म रिव्यू यूजुअली 3 से 4 बंदे का एक कम्युनिटिव नॉलेज जो इस गाड़ी के बारे में जमा हुआ है, हम लोग साथ में बैठ के बात करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, माइलेज इसका अच्छा है और हाईवे पे इसकी माइलेज 16 से 17 किलोमीटर हो जाती है। इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स काफ़ी बढ़िया है, सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है बाय फोर्ड स्टैंडर्ड्स, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं फोर्ड से, पर वो राइड क्वालिटी में तबील हो जाता है, तो राइड क्वालिटी हमारे ख़राब रास्तों पे हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। हैंडलिंग अच्छी है, स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। और उसके अलावा आई थिंक ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट सेडान है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। अमेज के बाद मैं फोर्ड एस्पायर को, अगर आप ड्राइविंग डायनामिक्स में पूछे तो मैं आपको फोर्ड एस्पायर रेकमेंड करूँगा, उसके बाद होंडा अमेज का नंबर आता है, और बाकी कोई भी कंपटीशन इसके सामने ड्राइविंग डायनामिक्स में कहीं नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट ड्राइविंग कॉम्पैक्ट सेडान्स इन द मार्केट राइट नाउ, और साथ ही साथ आपको माइलेज अच्छा मिलता है। हमने डीजल भी चलाई थी और ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं चलाई, पर उसका भी माइलेज हमें 18 से 19 के बीच में मिलता था, जो बहुत ही बढ़िया है सेगमेंट में। डेफिनेटली हुंडई एक्सेंट जब भी थी ऑरा के पहले, वो इतना माइलेज नहीं देती थी। और साथ ही साथ ड्राइविंग अच्छी है, लुक्स अच्छे से एज हो रहे हैं, क्वालिटी इंटीरियर है, कैबिन के अंदर आवाज़ बहुत कम आता है। मैं जैसे कि कह रहा था, मैं अभी रिसेंटली ऑरा चला रहा था, उसमें कैबिन में थोड़ा सा आवाज़ टायर का ज़्यादा आता है, मैं जैसे ही इसमें वापस बैठा मैंने देखा कि टायर का आवाज़ कितना कम है। तो
ऐसे नहीं है कि ये पुरानी हो चुकी गाड़ी तो इसमें कुछ खास फीचर्स नहीं है, पर इसमें अभी भी वो साइलेंस और ड्राइविंग डायनेमिक्स और वो सब कुछ है जो अभी भी इस गाड़ी को रिलेवेंट रखते हैं मार्केट में। फोर्ड अभी सारी अपनी जो फीगो और फीगो हैचबैक एस्पायर जो है उसे एक अफोर्डेबल सेक्शन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस रिविजन हुआ है अभी तो थोड़े से फीचर्स की कमी हुई है, पर मेरे हिसाब से इस गाड़ी का प्रोपोजिशन और भी अच्छा कर दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं और हमने बार बार, मैंने आपको बताया, बार बार हमें फोर्ड बताता है और आपको भी बताता है सोशल मीडिया के थ्रू कि उनकी प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया है, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सर्विस की प्राइसिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। तो इस गाड़ी को मेनटेन करना बहुत ही ईजी है। थोड़े मोड़े एक्सीडेंट्स के जो खर्चे हैं पेंटिंग के वो काफ़ी कम है बाकी सब लोग से, और डिलीवरी टाइम और अप टाइम जो है काफ़ी कम है बाकी सब लोग से। तो इस गाड़ी को ओन करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और आपको इजी ईज़ ऑफ यूज़ मिलता है इस गाड़ी को ओन करने के लिए। तो इसकी नई प्राइसिंग लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम जानते हैं कि कुछ 5.5-6 लाख से स्टार्ट होती है, और टॉप एंड वेरिएंट जो है इसका ऑलरेडी प्राइसिंग काफ़ी इंप्रेसिव हो चुकी है, क्योंकि फोर्ड धीरे धीरे लोकलाइजेशन करता जा रहा है हर पार्ट का। पहले हर पार्ट कहीं और से आता था, अभी वो इंडियनाइज हो रहा है, तो उस वजह से बेनिफिट्स पास ऑन हो रहे हैं, और इसी वजह से फोर्ड्स की सेल्स जो है काफ़ी स्टेबल होती जा रही है सेगमेंट में, ना ज़्यादा बढ़ रही है ना ज़्यादा कम हो रही है। वो बहुत ही अच्छा एक एस्पेक्ट होता है गाड़ी की पॉपुलैरिटी चेक करने का, और फोर्ड एस्पायर वो काम काफ़ी अच्छे से कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्राइविंग में अच्छी है, इंटीरियर अच्छा है, डिज़ाइन मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी पसंद आया है। 4 महीने मैं इस गाड़ी के साथ रहा हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आया, हमारे कॉलिग्स को पसंद आया है, और माइलेज, सर्विस, ईज़ ऑफ यूज़, क्वालिटी और जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक अपने सेगमेंट से थोड़ा ऊपर बिहेव करता है। तो इस वजह से एस्पायर हमारी वन ऑफ द टॉप 3 चॉइसेस है इन दिस कैटेगरी। अगर मुझे लेनी होती तो मैं आँख बंद करके फोर्ड एस्पायर डीजल ले लूँ मेरे खुद के लिए, पर क्योंकि मुझे ये गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है डीजल अवतार में। तो यही हमारा लॉन्ग टर्म रिव्यू है दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे रिव्यूज़ और आने वाले हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर भी कमेंट्स में कुछ पूछना है पूछिए, हम उसका जवाब आपको देंगे, और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, अगला वीडियो इसी हफ्ते आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।